हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम के ड्राइव को ग्रुप पॉलिसी के माध्यम से ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक का मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जिससे कि कोई भी यूजर हमारे ड्राइव को न देख सके कि ड्राइव के अंदर क्या रखा हुआ है। ड्राइव तो शो होगा लेकिन रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप इसके अंदर क्या रखा हुआ है इसको नहीं देख सकते। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ड्राइव क्या होता है। आप सभी के घर में अलमारी तो होगी, अलमारी में आप ध्यान दिए होंगे कि उसमें खाने बने होते हैं, ताकि हम लोग जैसे हमारे सपोज करिए कि मेरे पास सॉन्ग्स हैं, वीडियो है, MP3 है तो या फोटोज हैं, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि ड्राइव में सॉन्ग्स को रख दिया, MP3 को रख दिया, या किसी ड्राइव में वीडियो को रख दिया, किसी ड्राइव में केवल इमेज रखा हुआ है, ताकि हमको ढूंढने में आसानी हो सके। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ड्राइव का क्या मतलब। इससे पहले भी हम एक वीडियो ग्रुप पॉलिसी के ऊपर बना चुके हैं कि कैसे हम अपने पॉलिसी के द्वारा हम अपने USB को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि कोई भी यूजर हमारे डेटा को न ले सके। इसके लिए आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप पे और देखते हैं कि कैसे ग्रुप पॉलिसी के द्वारा हम अपने ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों, जैसा हमने कहा कि हम अपने सिस्टम के ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो मैं आपको दिखाया था एक बार कि हमारे सिस्टम में यहाँ पर लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी दो ड्राइव यहाँ पे दिख रहा है, दो वॉल्यूम, इसको डिस्क वॉल्यूम दोनों चीजें बोलते हैं। तो मैं इस लोकल डिस्क डी को रिस्ट्रिक्ट करूंगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, देखिए डबल क्लिक किया तो ओपन हो रहा है ना, तो अब मैं इसकी सिक्योरिटी को दिखाता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप पॉलिसी रन पे जाएंगे और ग्रुप पॉलिसी टाइप करने GPT डाटा में से टाइप करने के बाद रन कराएंगे, ओके करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो चीज़ दिख रहा है आपको, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया। तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे डबल क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज कंपोनेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद हम क्या काम करते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर पे चले जाते हैं, इस पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइप करना होगा, ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ऊपर नीचे, हालांकि आप शॉर्ट में टाइप करेंगे PRE, इतने में ये ऑप्शन दिख जाएगा, प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माय कंप्यूटर। इस पर डबल क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन दिया होगा। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव। अगर आप ऑल ड्राइव कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी ड्राइव हैं हमारे वो एक भी काम नहीं करेंगे, लेकिन अब आप सिस्टम को बंद करके चालू करेंगे तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, मतलब ऑन नहीं होगा, क्योंकि दोनों सिस्टम पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसको करना होगा। अब यहाँ पे लिखा रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव, इस पर क्लिक करेंगे, आपको किस ड्राइव को छुपाना है, मुझे किस ड्राइव को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो मुझे केवल डी ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करना है, इसलिए इस पर जाएंगे और ओके कर देंगे। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एक बार और कंप्यूटर को ओपन करता हूँ और डी ड्राइव पर डबल क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, रिस्ट्रिक्शन, द ऑपरेशन हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जबकि मैं आपको दिखा दूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन हूँ, कोई भी यूजर लॉगिन होगा तो उस ड्राइव को नहीं ओपन कर पाएगा। चलिए फिर से हम इसको सही कैसे करेंगे, इसके लिए फिर से हम ग्रुप पॉलिसी पर चलते हैं, मिनिमाइज किए हुए हैं, तो फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको हम नॉट कॉन्फिगर कर देंगे और हम इसको ओके कर देंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा ड्राइव, देखिए काम कर रहा है। आप जब भी ये वीडियो हमारे देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्कार, सत श्री अकाल,